क्या हुआ जब अपने भक्त के घर को बचाने स्वयं आई नाग सेना। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महादेव शिव के एक ऐसे अद्भुत चमत्कार के बारे में जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यह चमत्कारी घटना जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं, यह घटना हमें लिखकर भेजते हैं हरियाणा के बैतुल गांव में रहने वाले सुमित जी पाटीदार। जी हाँ मित्रों, और हम उम्मीद करेंगे कि यह घटना सुनकर आपका भी भरोसा महादेव के प्रति लाखों गुना तक बढ़ जाएगा। दोस्तों सुमित जी हमें लिखकर भेजते हैं कि बात आज से 6 वर्ष पुरानी है। मैं अपने बैतुल गांव में रहता था, वहीं पर खेती करता था एवं अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहा था। परंतु एक दिन ना जाने कहां से कुछ शहर के अफसर आते हैं और आकर हमारे गांव का निरीक्षण करते हैं और हमें बताते हैं कि इस गांव में कुछ घर कुछ मकान ऐसे हैं जो कि हमारे हाईवे बनाने के मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे में उन घरों को हटाने का आदेश स्वयं सरकार ने दे दिया है। दोस्तों मैं बचपन से महादेव का भक्त ठहरा था। सुमित जी हमें बताते हैं कि प्रतिदिन मैं महादेव के मंदिर आता जाता रहता था। महादेव की मेरे ऊपर असीम कृपा थी। महादेव की कृपा से मेरे पास कुछ भी चीज़ों की कमी नहीं थी। समस्त चीज़ें समस्त सुख मेरे पास महादेव की कृपा से थे। ऐसे में जब मैंने यह खबर सुनी एवं उन अफसरों की बातें सुनी तो मेरे हाथ पैर कांप उठे। मैं डर गया था कि एक इकलौती जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मेरे पास है, मेरा घर, आखिर सरकार हमसे वही घर छीनने वाली है। इस बात को सुनकर गांव वाले सभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर गए, बहुत रोने लगे। ऐसे में मैं भी डर तो गया था, परंतु महादेव के प्रति मेरा भरोसा बहुत अलग स्तर का था। ऐसे में मैं महादेव के मंदिर जाता हूँ, तुरंत महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी प्रकार से मेरे घर को टूटने से बचा लीजिए। मैं महादेव से कहता हूँ कि अगर बचपन से कभी भी एक क्षण भी मैंने आपकी भक्ति सच्चे मन से करी हो तो कृपया इस अनहोनी को होने से रोक लीजिए। ऐसे में कुछ दिन बाद वह अफसर जेसीबी लेकर बुलडोजर लेकर समस्त तैयारियां कर पूरे गांव को खाली करवा देते हैं और मकान तोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे में पहले तो वह जो फिजूल की चीज़ें होती है, आसपास की गलत सड़कें होती है, गलत दीवारें होती है, उन्हें तोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे में सबसे पहले मार्ग में मेरा ही घर आता है और वह सबसे पहले जेसीबी बुलडोजर और ट्रैक्टर लेकर मेरे घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, सारी भीड़ पूरा गांव बेला हो जाता है। वह लोग बाहर निकालने का बहुत प्रयास कर लेते हैं। आखिरकार 4 लोग मेरे घर में घुसते हैं और मुझे टोक कर बाहर ले आते हैं। ऐसे में मैं उस समय महादेव को याद करता हूँ, जोर जोर से महादेव का नाम लेने लग जाता हूँ। परंतु अब उन्होंने सारी तैयारियां कर ली थी और मुझे अब मेरा घर बचने की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में धीरे धीरे जैसे ही जेसीबी मेरे घर की ओर बढ़ने लगती है, बुलडोजर मेरे घर की ओर बढ़ने लगता है, मेरी धड़कनें बहुत तेज होती जा रही थी। ऐसे में ना जाने कहां से सभी देखते हैं कि मेरे घर के आगे यानी कि मेरे घर के सामने एवं उस जेसीबी के आगे 2 नाग आकर बैठ जाते हैं और उस जेसीबी को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। ऐसे में यह दृश्य देखकर, यह नज़ारा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वह जेसीबी वाला जेसीबी मोड़ता है एवं पीछे के मार्ग से आता है, तो पीछे के मार्ग से भी 2 नाग आते हैं और वहां पर आकर बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारे घर के आसपास खेतों की जमीन थी, बहुत सारे खेत थे, ऐसे में हमारे खेतों में नाग बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। परंतु जिस जिस मार्ग से जेसीबी मेरे घर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती जा रही थी, उस मार्ग पर सांप आकर उस जेसीबी के सामने वो मेरे घरों के द्वार के बाहर आकर बैठते जा रहे थे। यह दृश्य देखकर सभी लोग हैरान हो गए, सभी यह दृश्य देखते रह गए।
जो अफसर शहर से आए थे उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह इतने सारे नाग कहाँ से आते जा रहे हैं। उन्होंने नागों को हटाने का बहुत प्रयास करा, बहुत कोशिशें करी, परंतु उनके सभी कोशिशें, सभी प्रयास नाकाम रहे और वह लोग उस जेसीबी को उन नागों से आगे ले जाने में असफल रहे। यह दृश्य देखकर वह अफसर के साथ साथ पूरा गांव हैरान हो गया कि आखिर यह कैसे हुआ। परंतु मैं जानता था कि महादेव ने मेरी पुकार सुन ली है और मेरी जो भक्ति, जो शक्ति महादेव के प्रति थी, उसे महादेव ने आज सफल दिखाया है और महादेव के आशीर्वाद से यह नाग आज मेरे घर को बचाने किसी न किसी रूप में आ गए थे। तो यह दृश्य देखकर मेरा भरोसा महादेव के प्रति और लाखों गुना तक बढ़ जाता है। उसके बाद से मैं महादेव का और भी बड़ा परम भक्त हो गया था, क्योंकि महादेव ने किसी ना किसी रूप में आकर उस दिन मेरे घर को टूटने से बचा लिया था। तो दोस्तों, आखिर सुमित जी द्वारा भेजी गई यह चमत्कारी घटना आपको कैसी लगती है? आपके मन की बात दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। घटना अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, उसी के साथ कमेंट में जाकर हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको महादेव शिव की ऐसी ही चमत्कारी घटनाएं देखने को सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।